जिसे कह सकते हो फायर वाले मोमोज। क्या क्या डालने जा रहे हो बताते हैं? तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला है मोमोज के अंदर, तो मैरिनेट कर रहे हो। अब इसको सीख में लगाएंगे। और सबसे पहले ऑनियन। कितने मोमो लग जाते भैया? एक सीख में 5 मोमो। अच्छा, एक सीख में 5। और ये साथ में प्याज भी बीच बीच में लगा रहे हैं। वाओ। तो वैसे तो दोस्तों मोमोज आपने नॉर्मल वाले तो काफ़ी बार खाए होंगे, लेकिन ये तंदूर वाले हैं। आप यहाँ पे देखो कितने सारे लगा के रखे हुए भैया ने। और ये देखो यहाँ पे ग्रिल होने के लिए एकदम आ चुके हैं। वैसे तो नॉर्मल मोमोज की बात अलग होती है, लेकिन इसका टेस्ट हम देखेंगे, आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। जब तक कितना टाइम लग जाता होगा भैया पकने में इसे? 2-4 मिनट में पक के एकदम रेडी हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसका कलर चेंज होने लग गया। और इस पर मक्खन लगा रहे हैं यहाँ पे। और फिर इसे सेका जाएगा या फिर? अच्छा, काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार। और ये देखो यहाँ पे, और इसे कह सकते हो फायर वाले मोमोज। फायर जल लिए नीचे और ऊपर मोमोज सिक रहे हैं। और ये देखो एकदम रेडी हो गए, तो ऊपर आ गए। फिर दूसरे वाले में भी लगा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हीट है इसकी और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से मोमोज अंदर तक अच्छे से पक गए होंगे। वाओ। तो ये क्या डाला सबसे पहले आपने? ये मोमोज की चटनी। ठीक है, ये क्रीम मेयोनेज मिक्स है। ओके, क्रीम और मेयोनेज मिक्स कर रखी है। और काफ़ी अलग अलग चीज़ें डल जाती हैं इसमें, तो भैया से पूछते जाएंगे साथ साथ। बटर, ठीक है जी। और चाट मसाला। चाट मसाला आ गया। ओरिगानो। अब ये मिक्स करेंगे, आप देखिए कलर इसका चेंज हो गया। अब ये गर्म होगी। तो ये देखो भाई, इसे भैया ने डाल दिया गर्म करने के लिए। तो भैया कितनी देर तक गर्म करोगे इसे? 2 मिनट तक पकेगा ये? बस गरम करना पड़ता। अच्छा, तो ठीक है भैया, रेडी हो गए। अब इसकी प्लेट लगेगी। और ये देखिए प्लेट में आ चुके हैं जो भैया ने रेडी करा था। तो ये मैरिनेशन भैया ने डाल दी है। भैया क्या रेट रहता है इसका? 90। ओनली 90 रुपीज़। और ये टाइमिंग वगैरह क्या रहती है शॉप की? 2 से 11 सातों दिन ओपन रहती है। ठीक है, टेस्ट करते हैं। पनीर काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है, काफ़ी टेस्ट डिफरेंट आ रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं। बात करूँ टेस्ट की तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट है इसका, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल मोमोज होते हैं आप स्टीम करके चटनी के साथ खाते हो, लेकिन इसकी जो ग्रेवी है वो एक अलग फ्लेवर, एक अलग टेक्स्चर दे रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो अलग तरीके से इसको बनाया गया है और इसको ग्रिल करके बनाया गया है, इसलिए इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ रहा है। तो टेस्ट काफ़ी शानदार है। आप बाकी नॉर्मल मोमोज की जगह इसको खा सकते हो, आप बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप ज़रूर खाएं इसे। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। बाय बाय, टाटा सी।